वेलकम बैक। आज मैं आपके लिए बहुत ही इजी और सिंपल से फिश टिक्का की रेसिपी लाई हूँ, तो आए शुरू करते हैं। हमारे पास 370 ग्राम्स हेडक फिश के क्यूब्स हैं, जिनको किचन टॉवल से दबा के हमने अच्छी तरह से इसका पानी खुश कर लेना है। ये देखें कितनी अच्छी तरह से पानी इसका हमने खुश कर लिया। अब इसकी मैरिनेशन में हमने दो बड़े टुकड़े लहसुन के और एक सब्ज़ मिर्च को अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लेना है। इतने थोड़ी क्वांटिटी में सब्ज़ी को ब्लेंड करना मुश्किल होता है, इसलिए हमने इसमें 2 टेबलस्पून ऑयल और 2 टेबलस्पून लेमन जूस डाल देना है, जो कि मैरिनेट में भी बाद में डालना है। तो इसके साथ ये इजीली ब्लेंड हो जाएगा। और इस रेसिपी में हमने पानी का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना। पानी की मौजूदगी में फ़िश मैरिनेट को अच्छे तरीके से होल्ड नहीं करती है। जब हम उसको पकाते हैं तो सारा मैरिनेट उतर उतर के गिरने लग जाता है। ये अच्छी तरह से ब्लेंड हो जाएगा तो इसको फ़िश में डाल देंगे। और इसके अलावा जो स्पाइसेस डालेंगे उसमें 1/2 टीस्पून अजवाइन, 1 टेबलस्पून सूखा धनिया पाउडर, 1 टीस्पून कुटा हुआ ज़ीरा, नमक हसबे ज़ायका, 1/2 टीस्पून कुटी हुई सुरख मिर्च और ऑरेंज फूड कलर। इनको अच्छे तरीके से हम मिक्स करेंगे और 1 घंटे के लिए मैरिनेट कर लेंगे। फिश मैरिनेट हो जाए तो इसको स्कीवर्स पे लगा लेंगे। और फिर आपकी मर्ज़ी, आप चाहें तो इसको ग्रिल पैन पे ग्रिल कर लें और कोयले का दम दे लें, या बारबेक्यू कर लें। मैं आज इसको बारबेक्यू करूँगी। जो मैरिनेट बचा था वो सारा मैंने इसके ऊपर लगा लिया है, और वुडन स्कीवर्स हैं इसलिए बहुत ध्यान से मुझे इसको बारबेक्यू करना पड़ रहा है। ये लीजिए, ज़बरदस्त सा फिश टिक्का हमारा झटपट तैयार हो गया है। इस पर थोड़ा सा चाट मसाला डालेंगे और लेमन जूस और इमली की चटनी के साथ इसको सर्व करेंगे। बहुत अच्छा बनता है और बहुत ईजी है। आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर ये रेसिपी आपको पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू नेक्स्ट टाइम।